ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट बैचलर ऑफ आर्ट्स कर चुके हैं और सीईटी पीजी के थ्रू वो सोच रहे हैं कि मैं एमबीए करूं या बीएड करूं, तो ये वीडियो उनके लिए है। इस बारे में मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए हुए थे एमबीए के बारे में और बीएड के बारे में। लोग मुझसे पूछते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो कि बैचलर ऑफ आर्ट्स से किए होते हैं वो काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं कि मुझे अब फ्यूचर में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट सीईटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे पीजी की बात मैं कर रहा हूँ और इसके बारे में सोच रहे हैं, तो आपको मैं यहाँ पे डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा कि आपको क्या करना बेहतर रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल मैं वीडियो बनाता हूँ। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी अगर डाउट भी होता है तो मैं सीधे आपको सॉल्व करूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली कॉल या मैसेज करके अपना पर्सनल डाउट कुछ भी हो, कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। अब चलिए मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एमबीए और बीएड के बारे में। तो दोनों कोर्स आप कर सकते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के बाद। बहुत लोग सोचते हैं कि बीए के बाद एमबीए कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसका जवाब है एमबीए आप कर सकते हैं बीए बीकॉम कुछ भी करने के बाद, और बीएड भी कर सकते हैं कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद। अगर आप सीईटी पीजी के थ्रू कन्फ्यूज़ हैं कि मुझे क्या ऑप्शन लेके चलना चाहिए, तो सबसे पहले हम अगर बात करें एमबीए के बारे में, इस कोर्स के बारे में, तो मेरे हिसाब से आपको वही कोर्स चूज करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। यदि आपका इंटरेस्ट बिजनेस लाइन में नहीं है, अगर आपको सेल्स नहीं करना है या आपको मार्केट में जाके काम करना पसंद नहीं है, तब आपके लिए एमबीए नहीं बना है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एमबीए। अगर आप एमबीए करते भी हैं तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे एमबीए की ही बात कर रहे हैं हम, अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट से किए हुए हैं तो एमबीए में काफ़ी आपको दिक्कत होने वाली है एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपसे मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि सॉल्व करना आपके लिए आसान नहीं होने वाला है। यह ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफ़ी सारे मैंने स्टूडेंट को देखा है जो बैचलर ऑफ आर्ट्स करके एमबीए करते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है एमबीए करना। ऐसा नहीं है कि एमबीए कर नहीं सकते, करते हैं बहुत लोग, अच्छा प्लेसमेंट भी लेते हैं, लेकिन होता बहुत मुश्किल उनके लिए है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के जो विषय होते हैं या जो बीए के नॉर्मल सोशल साइंस के विषय होते हैं, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस जैसे, वो कहीं से भी एमबीए में जो पढ़ाया जाता है उससे मैच नहीं करते हैं, और एमबीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं स्टूडेंट को। मैथ और रीजनिंग जैसे जब सवाल आते हैं तो उनमें काफ़ी समस्या होती है। तो ये तो हो गई एंट्रेंस की बात। अब कोर्स की बात करते हैं एमबीए के बारे में। तो अगर आपको एमबीए करना है तो सिर्फ और सिर्फ टॉप कॉलेज से करना है, टॉप यूनिवर्सिटी से ही करना है। कोई भी ऐरे गैरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एमबीए नहीं करना है। सीईटी में शामिल काफ़ी सारे कॉलेज ऐसे हैं, अगर आपका 30 नंबर भी आता है 300 में तो भी आपको एडमिशन दे देंगे, और आपको ऐसे कॉलेज में एडमिशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ऐसे कॉलेज में अगर आप लेते हैं एडमिशन, तब आपकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो जाएगी और काफ़ी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एमबीए करने के बाद भी प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली है। मैं काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जो एमबीए करने के बाद भी प्लेसमेंट नहीं मिलता और काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अगर और आपको अगर एमबीए करना भी है तो सिर्फ टॉप की कॉलेज से ही करिए। जैसे मैं टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम आपको कुछ बता देता हूँ, उसी से करना बेहतर होगा। जैसे BHU हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, अगर इन सभी में आपका एडमिशन मिलता है तो आप कर सकते हैं। BVAU लखनऊ से कर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से कर सकते हैं, चाहे तो हरियाणा से भी कर सकते हैं, थोड़ा कम प्लेसमेंट होता है, और झारखंड से भी कर सकते हैं। मेरा जो सुझाव है, तीन चार जो मैंने टॉप का यूनिवर्सिटी बताया, BHU, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और BVAU और CU राज, बस यही चार मेरे हिसाब से बेस्ट है एमबीए करने लायक। बाकी जगह से एमबीए करने का कोई मतलब नहीं है। सेल्स का जॉब करेंगे 15 से 20 हज़ार का, जो मैं रेकमेंड नहीं करता। अब बात हो गई एमबीए की। एमबीए एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, एमबीए करना है तो सिर्फ और सिर्फ टॉप के ही यूनिवर्सिटी से करिए, छोटे मोटे कॉलेज से करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा एमबीए करने के बाद, और बहुत दिक्कत हो जाएगी, प्लेसमेंट भी नहीं मिलने वाली है आपको, और अच्छी सैलरी तो छोड़ ही दीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं बीएड के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सीयूटी में काफ़ी सारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में
बीएड 2 ईयर का कोर्स कराया जाता है आफ्टर ग्रेजुएशन। बीएड 2 ईयर का कोर्स कराया जाता है आफ्टर 2 ईयर ग्रेजुएशन, और आप बीएड किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, लाइक टॉप यूनिवर्सिटी से कीजिए, कोई छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेज से कीजिए, या कहीं से भी कीजिए। बीएड आप कहीं से भी कर सकते हैं, अगर आपको एडमिशन मिलता है कहीं भी मिलता है तो आपको ले लेना चाहिए। इससे दो फायदे हैं। पहला फायदे हैं कि आप टीचिंग लाइन में डायरेक्ट जा सकते हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद, लाइक अगर आप किसी भी स्टेट का टीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो अब आप टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए। और प्राइवेट स्कूल में भी अगर आपके पास अच्छा नॉलेज होता है तो आप प्राइवेट स्कूल में भी आराम से आपको जॉब मिल जाएगी, और ये काफ़ी हैक्टिक भी नहीं होती। यहाँ पे 4 से 5 घंटे 6 घंटे की ड्यूटी होती है बीएड करने के बाद जब लोग टीचर बनते हैं, और काफ़ी आसानी से यहाँ पे जॉब भी मिल जाती है प्राइवेट स्कूल में। वहीं सरकारी की अगर बात करें तो वहाँ थोड़ी सी आपको दिक्कत होने वाली है। अब हम बात करें अगर कंक्लूज़न की, तो आपको क्या करना चाहिए अगर आप कन्फ्यूज़ हैं तो अगर आप कन्फ्यूज़ हैं और बीए किए हुए हैं तब आपको सीधे बीएड की तरफ जाना है। जो लोग भी कन्फ्यूज़ हैं उनको सीधे बीएड के लिए जाना है, एमबीए नहीं करना है कन्फ्यूज़ लोगों के लिए। और जो लोग क्लियर हैं उनको मैं सलाह देना चाहूँगा कि सिर्फ टॉप के यूनिवर्सिटी से ही करिएगा, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। और किसी भी प्रकार का इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट अभी रहता है आपको, तो अब आप डायरेक्टली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप मेरा नंबर लेके मुझसे पर्सनली कोई भी सवाल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो समझाना था वो समझा दिया है ऑलरेडी, अब इस वीडियो में बताने के लिए कुछ है नहीं। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।